नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे आरसीबी की टीम की। आरसीबी के कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो इस मैच में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं। दिल्ली की टीम अच्छी गेंदबाजी, उनके पास अच्छे स्पिनर्स, उनके पास अच्छा अटैक है। दुबई का मैदान, बड़े डायमेंशंस और स्लो और लो ट्रैक है, तो स्पिनर्स के लिए भी बहुत ज्यादा अहम होने वाला है ये मुकाबला। लेकिन विराट कोहली की टीम जिस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है ना, उन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। आईपीएल के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि आरसीबी इस तरह के कॉन्फिडेंस और इस तरह के विनिंग रेट के साथ आगे बढ़ रही हो। तो शुरुआत उसी से जो इस टीम के लिए शुरुआत कर रहा है और क्या कमाल की शुरुआत दे रहा है। नया लड़का है और जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ न्यू किड इन द टाउन। अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज अ न्यू किड इन द टाउन, मतलब आप किसी लड़के की तारीफ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भैया बहुत ब्राइट है। किसी भी क्षेत्र में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में हो सकता है, खेल के क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में। तो देवदत्त पार्टिकल के लिए ये शब्द, ये पंक्तियां कही जा सकती हैं कि देयर इज अ न्यू किड इन द टाउन। और उसका बज है इस वक्त पे, क्योंकि 4 मैचेस 3 अर्धशतक। सैयद मुश्ताक में इससे पहले जो इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं, और इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया है बेंगलुरु के लिए। और बेंगलुरु ही नहीं बल्कि साउथ इंडिया डाबी भी छोड़ दीजिए आप, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, हर क्रिकेटर से अगर आप एक्स क्रिकेटर से पूछिए, कॉमेंट्रेटर से पूछिए या एनालिसिस से पूछिए, तो वो यही कह रहे हैं कि देवदत्त पड्डीकल की बात कुछ और है, और वही देखने को मिल रहा है। फ्रॉम द वर्ड गो, शुरुआत से इस खिलाड़ी ने जिस तरह से रन बनाए ना, वो बहुत अहम है यार। और देवदत्त पड्डीकल मेरे लिए पहली बैट होने वाले हैं दिल्ली के अगेंस्ट, क्योंकि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, पेसर्स पे अच्छे पुल शॉट्स लगा रहे हैं, और मिड विकेट के ऊपर से जो हम सुरेश रैना के बल्ले से कभी देखते थे, एक समय पे युवराज सिंह के बल्ले से देखते थे, वो चीज, वो फ्लेयर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो पहली बैट जो है वो देवदत्त पड्डीकल है। ऑफकोर्स जो एरॉन फिंच का बल्ला चल नहीं रहा है, इसलिए मैं कहूंगा कि दूसरे बैट कप्तान कोहली ने वापसी कर ली है। पिछले मैच में उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया, अब क्या वो अपने उस परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते रहेंगे उसी तरह से, और बेंगलुरु को उस तरह की शुरुआत अगर मिलती है पड्डीकल और एरॉन फिंच से, तो कोहली डिविलियर्स में वो मादा है कि उस इनिंग्स, वो जो शुरुआत मिली है उसे एक बेहतर अंजाम तक पहुंचा पाए, यानी लास्ट के ओवर्स में फायरवर्क्स जारी रहे, आतिशी बल्लेबाजी हो। तो ऐसे में क्या विराट कोहली और उनके साथ साथ डिविलियर्स ये कर सकते हैं? तो विराट कोहली नंबर सेकंड बैट है, और उनके साथ साथ तीसरी बैट है डिविलियर्स। ये भी डिविलियर्स जो पहले ही मैच में अर्धशतक लगाकर ये बता चुके थे कि मैं अगर बाहर बैठा रहा था क्रिकेट के मैदान से थोड़ी देर तक, तो ये मत समझिएगा कि मैं बैटिंग भूल गया हूं या मैं उस टच में नहीं हूं, क्योंकि विराट कोहली के साथ आपने देखा कि पहले 3 मैचेस में उनके बल्ले पर उस तरह से गेंद नहीं आ रहा था, जबकि उन्होंने टाइम लिया, 13 बॉल पर कभी 11 रन बनाए, ऑलमोस्ट रन अ बॉल खेले वो पहले 3 मैचेस में। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह की बल्लेबाजी एबी डिविलियर्स ने दिखाई, कमाल की बल्लेबाजी, और छक्के लगा रहे थे, बड़े बड़े चौके लगा रहे थे, वही एबी डिविलियर्स काइंड ऑफ शॉट्स खेल रहे थे जिसकी वजह से उन्हें मिस्टर 360 कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, वो एबी डिविलियर्स को अलग बनाती है, और एबी डिविलियर्स का फॉर्म में होना इस वक्त पे आरसीबी के लिए इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। इसके अलावा जब आप स्पिनर्स की बात करते हैं, जब आप दुबई के मैदान की बात करते हैं, लंबे ग्राउंड्स की बात करते हैं, तो यूजी चहल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। युजवेंद्र चहल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें चिन्नास्वामी में गेंदबाजी करने की आदत है, जो बेंगलुरु का ग्राउंड है, बहुत छोटा ग्राउंड है, शारजाह से जरा सा बड़ा है। ऐसे में जब उस खिलाड़ी को आप अबूधाबी का ग्राउंड दिखाते हैं तो बोलता है अरे ये तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, यानी इसमें वो और फ्लाइट दे सकते हैं अपनी गेंद को, और बैट्समैन को इनवाइट कर सकते हैं कि तू मुझे छक्का मार, तो उस वजह से मिस टाइम गेंद होगा और निश्चित तौर पर कॉट आउट हो सकते हैं। तो यूजी चहल के लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके साथ साथ मैं फिर से नवदीप सैनी की वो रफ्तार देखना चाहूंगा जिसने उन्हें सुपर ओवर के बाद कहीं ना कहीं एक उनके लिए भी एक बस बना दिया है क्रिकेटर्स के बीच कि ये एक और खिलाड़ी है जो बहुत अच्छा है। कल जैसे नटराजन ने यॉर्कर्स मारी तो नटराजन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। तो अच्छे युवा तेज गेंदबाज मिल रहे हैं भारतीय टीम को अभी तक, मतलब जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है, लेकिन जो शुरुआती कहते हैं ना कि जो शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं इस पूरी की पूरे आईपीएल से, वो यही बता रहे हैं कि रुझान, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल भाषा में, वो यही बता रहे हैं कि इस आईपीएल के बाद कहीं ना कहीं भारतीय सेलेक्टर्स के पास ना, या कप्तान के पास, विराट कोहली के पास दिमाग में होगा कि यार ये कुछ नए तेज गेंदबाज हैं जो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सिर्फ तेज गेंदबाज का मतलब पेस नहीं है, बल्कि एक्यूरेसी भी। अगर आप नटराजन की देखें कल, तो बहुत कमाल की उनकी, और उन्हें मुस्तफिजुर से उनका कंपैरिजन होता है कई बार। तो यही सारी चीजें हैं जो इस आईपीएल को खास बना रही हैं। लेकिन मेरी जो लास्ट बैट होने वाले हैं वो नवदीप सैनी होने वाले हैं। तो देखते हैं आरसीबी की टीम के लिए इनमें से कौन आज बढ़िया बल्लेबाजी या गेंदबाजी करता है और आरसीबी को एक और जीत दिलाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।